हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और इस ब्लॉग में आप टाइटल देख कर समझ गए होंगे कि ये ब्लॉग किस चीज़ के बारे में है, किसके ऊपर है। ठीक है, तो फिलहाल तो मैं आ चुका हूँ खेत में, अपने खेत पर ही हूँ। देखिए, मेरा यहाँ पीछे चल रहा है गेहूँ बुनाने का जो है कार्य शुरू है। और देख सकते हैं कि आप मेरे पीछे जो है गेहूँ बुनाने का जो कार्य जो है स्टार्टअप है। फिलहाल तो अभी इसको बोलते हैं रोटावेटर से, मतलब खेत को जुताई हो रहा है, इसके बाद जो है गेहूं बुनने का काम होगा शुरू। तो आज आ चुके हैं विपिन जी, तो मैं आज विपिन जी का इंटरव्यू लेने वाला हूं। ये एक बहुत बड़े किसान हैं और बड़े लेवल पर खेती भी करते हैं, तो ये कुछ अपने बारे में बताएंगे आपको। तो चलिए बात करते हैं विपिन जी से। विपिन जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम विपिन कुमार हुआ। अच्छा, आप अपने बारे में बताइए, एड्रेस, गांव का कहां, मतलब मेरा घर उदयपुरा हुआ। मैं करीब 15 बीघा खेती करता हूं। और स्टार्टिंग जोर से, और धान की भी खेती होता है और रबी का भी खेती होता है। धान काट कर रबी लगाते हैं, गेहूँ, मसूर, दाल और चना। अच्छा, इसके बारे में आलू बारे में ऐसा बात नहीं है। तो धान का तो फसल इस साल बहुत अच्छा हुआ है। गेहूँ का फसल देखिए किस प्रकार होता है। इस पर धान कितना, मतलब धान मजदूर से कटवा के करीब 30 मन गया है। 30 मन तक गया है? 30 मन बीघा गया है। 30 मन बीघा गया है। हाँ, मजदूर पुलंडा ले गया है। अच्छा, पूरा। तो कितना का सेल आउट किए होंगे? अभी तो फिलहाल ज़्यादा का सेल आउट नहीं किया हूँ, फिर भी 1.5 लाख का धान सेल किया हूँ। अच्छा अच्छा, हाँ, अभी और धान जाना बाकी है। अभी और धान जाएगा। अच्छा, खेती के अलावा और भी कुछ कार्य करते हैं आप? इससे खेती के अलावा और भी काम है। मैं ओएस कंपनी का इंचार्ज हूँ। ओएस जो खाने वाला, खाने वाला कुकुर आता है, उसका एरिया इंचार्ज है। सुन रहे हैं ना, उसका एरिया इंचार्ज। खास करके ये इंटरव्यू उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि 4 ब्लॉक का इंचार्ज, 5 ब्लॉक का मैं बना हुआ हूँ। अच्छा, 4-5 थाना का इंचार्ज हूँ ओएस का। ओएस का जी, कंपनी से डायरेक्ट बिलिंग, कंपनी डायरेक्ट बिलिंग हम करवाते हैं। आप और एजेंसी भी देते हैं? अच्छा अच्छा, और एजेंसी अपना जो करे। अच्छा अच्छा, हमको कंपनी का पैसा डलवाना काम है। आप मार्केट में है ना? हाँ, हम मार्केट का काम देखते हैं। अच्छा, तो आपको मतलब सली टाइम टू टाइम मिल ही जाता है? ओके ओके, एक से। तो क्या आप किसान है, तो खेती के मामले में मतलब ये है, खेती से खुश है या नहीं है? खेती से बहुत खुश है जी। खेती ना रहेगा तो हम नौकरी करके क्या करेंगे? कुछ लोग बोलते हैं, कुछ किसान बोलते हैं कि खेती बेकार चीज है, ये है। नहीं 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 नहीं, भारत एक कृषि प्रधान देश है। हाँ, और जब खेती नहीं होगा तो क्या करेंगे? खेती पर तो सब चीज आश्रित है। सही बात है। टोटल अफसर से लेकर ब्रिगेडियर क्या कर रहे हैं? खेती का लोग जाया हुआ खा रहे हैं, और क्या, अब क्या करेंगे? नारा भी लगता है कि जय किसान जय जवान, क्या करेंगे? नारा भी तो लगता है। नारा भी लगता है, किसान से ही देश चल रहा है ना, है कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। एकदम बिल्कुल राइट बोल रहे हैं आप, है ना? मेरी मन की बात छीन ली आपने। अभी यहाँ देखिए गेहूं का फसल बुना रहा है, आप हमारे पीछे देख सकते हैं गेहूं का। हाँ, रोटावेटर है, रोटावेटर से अभी जो है खेत का जुताई हो रहा है। जुताई हो रहा है। इसके बाद कितने दिन के बाद होगा फिर इसमें गेहूं बुनाया जाएगा? गेहूं इसमें अभी बीज नहीं छिटा रहा है। नहीं, अभी तो शायद ठीक है, कोई दिक्कत फरहरी है। शायद फरहरी इसको बोलते हैं ना? हाँ, तो फरहरी तो डायरेक्ट बीज भी छिटा सकता था, लेकिन 1-2 दिन के बाद भी छिटा सकता है। खेत तो काफ़ी गीला है। अगर न भी जोता था कोई दिक्कत नहीं था। अच्छा, लेकिन इसमें डबल पैसा जोताई का लगेगा। अच्छा, हाँ, ऐसे एक के बार में हो जाता है डायरेक्ट। इसके बारे में और कुछ हट के बताइए विपिन जी, अपना मतलब हट के बारे में। आप इसे मतलब जॉब से आप खुश हैं ना? बिल्कुल खुश है, बिल्कुल। अच्छा, बिल्कुल। तो फिलहाल तो हम विपिन जी से अवगत करवाए, अब इस ब्लॉग को करते हैं। तो फाइनली हम आ चुके हैं अपने घर पर, और जो आज जिनका हम इंटरव्यू ले रहे थे, दरअसल मैं अपने खेत पर ही ले रहा था। तो वो एक बड़े किसान हैं और उनको हर एक क्षेत्र में जो है नॉलेज प्राप्त है, तो उनका मैं इंटरव्यू थोड़ा सा लिया ऐसे चलते चलते। ये इसको इंटरव्यू का नाम ना दें, हाँ, है ना? तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।